आज ब्लॉक ओकूरा ने एक मीटिंग की थी जिसमें बीडीसी गुलाम अहमद मल्ला मुख्तलिफ पंजू और सरपंजू से मुलाकी। मीटिंग के दौरान पंजू और सरपंजू के मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए गए। सरपंजू की शिकायत रही कि बहुत से महकम, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सोशल वेलफेयर हो या फिर कोई और महकम हो, वो हमें किसी भी स्कीम के बारे में इतला नहीं देते हैं। उनका कहना है कि हमें महकमों की हर स्कीम की इतला होनी चाहिए ताकि हम इन स्कीमों के बारे में आवाम को जानकारी दे सके। मीडिया से रूबरू होते हुए बीडीसी ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों को हर स्कीम के बारे में सरपंचों को इतला देनी ज़रूरी है ताकि वो आवाम को इन स्कीमों के बारे में आगाह कर सके। रौनक टाइम न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं जैनब मंजूर। बहुत से मामलात यहाँ अपने चेयरमैन साहब के सामने उठाए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से, जो हमें मतलब हमारे सरपंच साहबों का ताल्लुकात है, मगर उन्होंने बहुत बहुत सी शिकायत की है इन मतलब डिपार्टमेंटों की। इनको कहीं कोई मतलब यहाँ हैंड कार्ट से यहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने या मोटर डिस्ट्रीब्यूट करने या बीच हमें एग्रीकल्चर से आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर, मगर हमारे सरपंच साहिबों को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। और एक मामला होता है, यही है हाल है हॉर्टिकल्चर का, उन्हें सरपंच साहिबों ने कहा था कि उन्हें यहाँ मिडल मैन रखे हैं, उन्हीं के जरिए वो मतलब ये हैंड कार्ट्स या मतलब बीज या मोटर या और कुछ क्या क्या आते हैं वो मतलब तकसीम करते हैं, मगर हमारी पंचायत को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। या सोशल वेलफेयर का मामला उन्होंने उठाया यहां से, हमारे सरपंच साहब को कोई लिस्ट नहीं है हमारे मतलब पंचायत में किसको मतलब ओल्ड एज दिया गया है किसको नहीं दिया गया। अगर हमारे सरपंच साहबों के पास लिस्ट होता है वो देखते हैं कि 60 साल किसने मतलब बराबर किए हैं, उन बेचारों को ओल्ड एज पेंशन मिल सकता है, मगर उन सोशल वेलफेयर भी सरपंच साहबों को अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं लेता। इसी तरह है लेबर भी।